इस स्टडी प्लान में आपको मिलेगा मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान, और साथ ही साथ टाइम की मैनेजमेंट कि किस तरह से टाइम को डिवाइड करना है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मंथ स्टडी प्लान फॉर CSS 2022। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने भी MPT को क्लियर किया है। और अब बारी आती है रिटन एग्ज़ाम्स की, जो कि बहुत ही करीब हैं। आपको पता है कि FPSC ने जो प्लानिंग एक बताई है डेट्स की कि किस किस दिन क्या क्या होगा, वो यूँ है कि 7 को रिज़ल्ट आ जाएगा MPT का, और 8 से 25 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ CSS। इसलिए मैंने ये जो स्टडी प्लान है 3 मंथ्स का, ये मैंने बनाया है 8 तारीख से ऑनवर्ड, यानी कि 8 मार्च से ये स्टार्ट होता है। वजह यही है कि बेशक आपको की देख कर पता चल चुका है कि आप MPT क्लियर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल कोई पता नहीं FPSC का, इसलिए वेट कर लें। ठीक है, 8 तारीख से ही ये स्टडी प्लान मैंने यही सोचकर स्टार्ट किया है कि फाइनल रिज़ल्ट की जो है अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद ही सही स्टेटस पता चलेगा कि MPT क्लियर है या नहीं। इस स्टडी प्लान में आपको मिलेगा मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान, और साथ ही साथ टाइम की मैनेजमेंट कि किस तरह से टाइम को डिवाइड करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं प्लान की तरफ। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 3 मंथ स्टडी प्लान, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको मंथली भी बताऊंगी प्लान, वीकली भी और डेली भी, और ये मंथली प्लान है जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है आप लोगों के सामने। अच्छा जी, तो मार्च में आपके पास, पहले देख लेते हैं दिनों को, हम कर लेते हैं स्प्लिट। ठीक है, मंडे टू सैटरडे का एक बनाते हैं कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है संडे की। तो अगर बात की जाए मार्च की, तो 8 तारीख से लेकर 31 तक, ठीक है, आपके पास 21 दिन बनते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें से संडे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, मंडे टू सैटरडे की भी मैं बात करूँ। अप्रैल की अगर बात की जाए, तो अप्रैल में पूरा महीना ही है हमारे पास 1 से 30 तक, और इसके मंडे टू सैटरडे डेज़ बनते हैं 26। ठीक है, और मई की अगर बात की जाए, तो जैसा कि आपने देखा है FPSC की तरफ से जो डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो जाहिर है अब एग्ज़ाम वाला दिन तो नहीं हमने मई का शामिल कर लिया, तो ये प्लान जो है वो मई में 1 से 29 डेज जो हैं वो हम यूटिलाइज़ करेंगे इस प्लान के अंदर। अच्छा जी, तो मंडे टू सैटरडेज हमारे पास मई के बनते हैं 24 डेज़। ठीक हो गया, अब संडेज़ की अगर बात कर ली जाए, तो मार्च में हमारे पास हैं 3 संडेज़, और ये जो 3 संडेज़ हैं वो 8 से 31 तारीख के दरमियान, मतलब 3 संडेज़ आ रहे हैं। आप कैलेंडर में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अप्रैल में 4 संडेज़ हैं हमारे पास, मई में हमारे पास 5 संडेज़ हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास बन के टोटल 71 डेज़ मंडे टू सैटरडे, यानी कि टिल एग्ज़ाम्स, सही, अब से लेकर एग्ज़ाम्स तक, यानी 8 तारीख से लेकर एग्ज़ाम्स तक। और संडेज़ हमारे पास कितने बन गए, 12। अब ये संडे और ये मंडे टू सैटरडे, ये दो कैटेगरीज़ में मैंने क्यों स्प्लिट किए हैं दिन, वो मैं आपको बताती हूँ जी। तो 71 डेज़ जो कि मंडे टू सैटरडे हमारे बने थे, ठीक है, ये वाले, अगर हम उसको डिवाइड करें 10 पर, तो हमारा बनता है 7.1, यानी कि आपके पास 7 दिन बचे एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। अब आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि सब्जेक्ट्स तो 12 हैं, तो मैंने 10 पे क्यों डिवाइड किया है? वो इस वजह से क्योंकि इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन और इंग्लिश एसे जो है उसको मैंने 7 दिन नहीं दिए। ठीक है, उसको ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरा दिन उसके लिए चाहिए हमें पढ़ने के लिए, और ये आपको पता है फेलियर रेट भी सबसे ज़्यादा एसे में है और प्रेसी में है, इस वजह से इसको हमने अलग से ट्रीट करना है। और अगर आप 12 सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसेंट कंपोजिशन को निकाल देते हैं, तो आपके पास 10 सब्जेक्ट्स बचते हैं। और अगर किसी ने कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है जो कि 200 मार्क्स का है, तो उसके इंग्लिश एसे और प्रेसी को निकाल कर 9 सब्जेक्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो आप उसको 2 सब्जेक्ट ही कंसिडर करें, तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपका हिसाब सीधा सीधा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 7 डेज़ एक सब्जेक्ट को देने हैं, और आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है जो कि 200 मार्क्स पे मबनी है, तो आपने उसको 14 दिन देने हैं। ठीक है, 7 को आप डबल कर लेंगे। ये बात आपकी समझ आ गई। अब मैं आती हूँ अगली बात पर।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास 8 तारीख से लेकर 29 मई तक, यानी कि टिल एग्ज़ाम्स, आपके पास 12 संडेज़ बन रहे हैं, ठीक है। तो 12 संडेज़ का मतलब है कि आपने 12 फुल फ्लेज्ड एसेज आपने लिख लिए होंगे और 12 आपने इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, पी एंड सी का मतलब प्रेसी एंड कंपोजिशन का पास्ट पेपर्स जो हैं आपने 12 वो प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और ये कैसे करने हैं, क्या तरीक़ेकार रहेगा, ये मैं आपको अभी डेली प्लान में डिटेल से बताऊँगी। चलते हैं वीकली प्लान की तरफ। मैंने मंडे टू सैटरडे और संडे को स्प्लिट इस तरह से किया है कि मंडे टू सैटरडे आपने टाइम देना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जो भी आप उस हफ्ते में कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है और आपके सिर्फ 7 दिन बन रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने के लिए, अब सवाल आपके दिल में ये आएगा कि मंडे टू सैटरडे तो फिर 6 दिन बनते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको डेट के हिसाब से करें ना। मिसाल के तौर पर आप 7 दिन आपने पूरे करने हैं, फिर जो 7वां दिन आपका बच जाएगा, ठीक है, वो फिर आप संडे को तो आपने ऐसे करना है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे आपने इस हफ़्ते इस्लामियत करना है, ठीक है, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक तो आपने इस्लामियत किया, लेकिन इस्लामियत का एक और दिन जो है आपने उसको देना है, तो वो आप जो कमिंग जो मंडे आएगा आपने उस पर भी इस्लामियत ही करना है उसमें भी, ठीक है। उसके बाद आप ट्यूसडे से फिर नेक्स्ट इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। 7-7 दिन का आपने इस तरह से करना है, हिसाब रखना है। और कुछ लोग आप में से अब कहेंगे कि 7 दिन तो बहुत कम है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। आई नो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन डेफिनेटली अब हम टाइम तो नहीं बढ़ा सकते, जो टाइम है हमारे पास अवेलेबल हमने उसी को ही प्लान करना है। अब वो फिर आप पे है कि आप किस तरह से स्मार्ट स्टडी करते हैं, सही है, उस पर भी किस तरह से पढ़ना है उस पर भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी स्ट्रेटजी पे होगी, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम सिर्फ प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मंडे टू सैटरडे हो गया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे इस्लामियात या कोई भी सब्जेक्ट। अब संडे को आपने क्या करना है, संडे को आपने दो काम करने हैं। एक तो आप पास्ट पेपर पकड़ें इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का और उसको पूरा सॉल्व करें ए टू जी। और मशवरा मेरा ये रहेगा कि आप शुरू से शुरू ना करें, मिसाल के तौर पे आपको नेट पे 1971 से लेकर ऑनवर्ड मिलते हैं पास्ट पेपर्स इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन के, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि तब डिफरेंटली आता था पेपर, सही है। तो आप जाएँ 2021 से पीछे को जाएँ, ठीक है। आई नो कि पास्ट पेपर में से नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन जाहिर है चीज़ें रिपीट नहीं होती ज़्यादातर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों, अब इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव ये बात है, कोई वीक हो सकता है ग्रामर में, कोई वीक हो सकता है प्रेसी में, कोई वीक हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आपने वो पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी मेंटोर को चेक करवा लेना है। आपकी जो भी वीक एरिया होगा आपको पता चल जाएगा और आपने उसके रूल्स पे काम कर लेना है। उसके अलावा उस दिन आपने एक और काम करना है, आपने एक फुल फ्लेज्ड एसे लिखना है। अब आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि एक फुल फ्लेज्ड एसे विदाउट डेटा कलेक्शन कैसे लिखा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन? तो जनाब लिखा जा सकता है, क्योंकि आप पूरा हफ्ता भी एसे के डेटा कलेक्शन पे काम करेंगे। वो कैसे करना है वो डेली प्लान में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलते हैं डेली प्लान की तरफ, और डेली प्लान पे जाने से पहले मैं आपको एक दिन के टाइम को कैसे आपने डिवाइड करना है पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगी। टाइम डिविजन आपके सामने है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ऑब्वियसली 6 घंटे आप नींद को दे दें, ठीक है। हालांकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जो डॉक्टर्स का कॉल है ये CSS एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए 6 घंटे की नींद बहुत है, अगर आप 10 घंटे सोने वाले लोगों में से हैं तो अपनी नींद को कम करें, मैं तो यही कह सकती हूँ। उसके अलावा जो 8 घंटे हैं वो आपकी लेजर एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर तो आप कहीं पर जॉब नहीं करते तो जाहिर है मतलब हम लड़कियों को तो फिर घर के भी काम होते हैं ना, फिर घर भी मैनेज करना होता है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब होल्डर हैं, ठीक है, आप लड़के हैं या लड़की हैं जो भी हैं, ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो 8 घंटे आप वो जॉब की मद में निकाल दें। अगर आप घर पे रहते हैं तो ये लेजर एक्टिविटीज़, यानी कि आप ज़ाहिर रेस्ट भी तो चाहिए होता है, तो ये मर्ज़ी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब 8 और 6 को अगर हम प्लस करें तो 14 आवर्स बनते हैं, तो 24 में से 14 को निकाल दें, 14 को निकाल दी, हमारे पास बच के 10। तो 10 घंटे का स्टडी प्लान मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जो डेली प्लान होगा, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपने एक दिन में 10 घंटे स्टडी को देने हैं,
और जिनको ये ज़्यादा लग रहे हैं मैं उनको फिर यही कहूँगी कि फिर इस दफ़ा अपीयर ना हूँ, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हार्श हियर, लेकिन बात यह है कि टाइम चूंकि बहुत ज़्यादा कम है तो आई हैड टू मेक अ स्टडी प्लान ऑफ 10 आवर्स। अब अगर डेली प्लान को डिस्कस किया जाए जो कि 10 आवर प्लान है, तो इसमें 2 शिफ्ट्स में आपने पढ़ना है, एक हो गई शिफ्ट 1 और एक होगी शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 होगी 3 आवर्स की और शिफ्ट 2 होगी 7 आवर्स की। और मैं ये भी क्लियर करती चलूँ कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो चक्कर है वो सिर्फ और सिर्फ मंडे टू सैटरडे के लिए, संडे को इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपने ये जो प्रैक्टिस है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, वो आपने सिर्फ और सिर्फ मंडे टू सैटरडे करनी है। अच्छा, शिफ्ट 1 क्या है? शिफ्ट 1 ये है कि 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, ठीक है, और 1 घंटा आपने एसए की डेटा कलेक्शन को देना है। अब सबसे पहले 1-to-1 इसको कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। अच्छा, इंग्लिश में क्या करना है? देखिए, मैंने आगे इसलिए मज़ीद कुछ नहीं लिखा क्योंकि एक एस्पिरेंट की अगर ग्रामर कमज़ोर है तो दूसरे एस्पिरेंट की ग्रामर परफेक्ट होगी, उसको प्रेसी में काम करने की ज़रूरत होगी। इसलिए आपने अपने वीक एरियाज ख़ुद ढूंढने हैं, ठीक है। जब आप अपना काम किसी मेंटोर को चेक कराएंगे तो आपका मेंटोर आपको बताएगा कि आपकी वीक एरियाज क्या हैं। तो जिसका जो वीक एरिया है उसने इस घंटे उस पर काम करना है, ठीक है। ग्रामर वीक है तो ग्रामर पे काम करें, प्रेसी राइटिंग नहीं आती तो आप उस पे काम करें, और प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड अगर एसे में मसला आ रहा है उससे रिलेटेड सारे रूल्स आपको, एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको वीडियोज़ जो हैं आप सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट अलग से आपको इंग्लिश एसे की भी मिल जाएगी और इंग्लिश प्रेसी की भी मिल जाएगी। उस पर मैंने बहुत डिटेल से हर चीज़, टाइटल कैसे देना है, प्रेसी कैसे लिखनी है, क्या लेंथ होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, वो रूल्स एक दफ़ा देख लेने, यानी आप जिस भी चीज़ में कमज़ोर हैं आपने वो चीज़ स्ट्रेंथन कर लेनी, ठीक हो गया। उसके बाद 1 घंटा आपने देना है एसे डेटा कलेक्शन को, यानी कि संडे को आपने जो एसे लिखना है उसका टॉपिक आपने मंडे को ही डिसाइड कर लेना है, ठीक है। और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने 1 घंटा डेली उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने डेटा सर्च करना है, ठीक है। और वो डेटा कैसे सर्च करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पे मैं आपको उसका थंबनेल शो कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आपने सिंपली वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लेनी है कि कैसे आपने ऐसे के लिए डेटा कलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद 1 घंटा आपने न्यूज़पेपर को देना है। तो ये कहानी थी शिफ्ट 1 की। शिफ्ट 2 में आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है जो कि उस हफ्ते आपने सोचा हुआ है कि जी पहले हफ्ते मैंने करूँगा या करूँगी इस्लामियात, ठीक है, ये कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो कंपलसरी हो चाहे वो ऑप्शनल हो, ठीक है। और याद रहे, अगेन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। अब आते हैं संडे की कहानी की तरफ। संडे को आपने क्या करना है, 4 घंटे आपने देने हैं इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन के पास पेपर को प्रैक्टिस करने में। आपने A to Z उसको सोल्व करना है और किसी मेंटोर को चेक करवाना है। और बाकी अगर आप ये कहें कि फिर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, उसकी पास पेपर प्रैक्टिस का क्या, तो बाकी सब्जेक्ट्स में जब आपको 7 दिन मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है, तो उनमें से कोई 4 घंटे कोई 3 घंटे आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी कर लें और किसी मेंटोर को चेक करवा लें। अच्छा जी, खैर संडे की बात हो रही थी, 4 घंटे आपने दे दी इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन को और 6 घंटे में आपने एसे लिखना है, क्योंकि डेटा तो अब मंडे टू सैटरडे आप कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। बस उस डेटा को आपने एसे की शक्ल देनी है। शुरू में तो चलें 6 घंटे लगा लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को कम करने की कोशिश करें और टाइमर लगा के आखिरी हफ्तों में कोशिश करें कि आपने 3 घंटे में एक फुल फ्लेज एसे लिखा हो और वो भी बगैर देखे। इस तरह से क्या होगा कि मॉक भी आपका हो जाएगा। जनाब, ये थी कहानी स्टडी प्लान की। आप लोगों ने अगर कोई सवाल करना है मुझसे रिलेटेड टू प्लान या फिर कोई भी आपकी कोई क्यूरी हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे 1-to-1 हमारा कांटेक्ट हो सके। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से। तो बस दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा।